हेलो एवरीवन। तो सितंबर मंथ की रीडिंग आज होने वाली है लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए। एयर साइन तुला राशि आपके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या रिलीफ, क्या न्यूज आ सकती है आपको। अगर कोई निगेटिव चीज आती है तो उसका हल क्या है, उसका उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वो हम आज देखेंगे। आज सारे डेक से कार्ड लेंगे और जानेंगे कि सितंबर मंथ तुला राशि के लिए कैसा है। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर देख सकते हैं इस रीडिंग को। और न्यू टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ हमेशा से नए टॉपिक पे रीडिंग अपलोड होती है। और वहाँ अपनी जरूरत के अनुसार टॉपिक्स देखिए और वहाँ से चूज करके उसका लाभ उठाइए। तो हम आज देख रहे हैं कि कैसा रहने वाला है सितंबर तुला राशि के लिए। जैसा कि आपको पता है, आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपका रूलिंग प्लैनेट है और ये आपको रूल करता है। अगर आपका बर्थ चार्ट में शुक्र नीच का है तो प्लीज सफेद चीजों का दान दें, सफेद चीजें पहने। और मैं शुक्र ग्रह जिसका भी बर्थ चार्ट में कमजोर है उसके लिए अलग से वीडियो फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। बट आज हम रीडिंग करेंगे कि कैसा रहने वाला है तुला राशि के लिए सितंबर मंथ। लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड, लेट्स सी। जनरल रीडिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीच बीच में हम आपके लिए सितंबर में लकी कलर, डेज, नंबर, प्रोफेशन, इवेंटफुल ईयर, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, बॉडी पार्ट्स की किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। तो लेट्स बिगिन विद टैरोट, हाउ विल बी योर सितंबर 2024। डेविल एनर्जी है, जी हाँ, पहला डेविल एनर्जी है। सेकंड है नाइन ऑफ सोर्स, थर्ड वन पेज ऑफ कप्स एंड फोर्थ वन इज द हाई क्रिस्टेस। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है। विल टेक टू मोर कार्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे शुरुआत जो होगी सितंबर की थोड़ी सी आपके लिए वीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी रहेगी आपके लिए शुरुआत में। आप देख सकते हैं कि पहला कार्ड डेविल एनर्जी का आया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और मुझे लगता है कि हो भी रही है। अभी आप परेशान थोड़े से हैं आप लोग, क्योंकि डेविल एनर्जी है तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही। हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको लगातार ये परेशानी बन रही है। किसी पर्सन का इन आउट आपके लाइफ में हो रहा है और सितंबर में भी शुरुआत में मुझे लगता है कि थोड़े से आपको यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप थोड़े से परेशान भी रहेंगे। रातों को नींद नहीं आएगी, कोई ब्रेकअप्स भी हुए हैं आपके रिसेंटली जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे शुरुआती दौर में सितंबर के। और आपको यहाँ पे रातों की नींद नहीं आएगी और कुछ ऐसी एंडिंग हुई है आपके लाइफ में जिसमें आप उससे ओवरकम नहीं कर पाए। सितंबर की शुरुआत में तुला राशि के लिए ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि रिलीफ मिलेगी आपको। थोड़ा सा गिल्ट है और आप थोड़ा पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शॉक वेव की तरह आपके लाइफ में आ रही है। तो पास्ट पे फोकस कर रहे हैं आप, उसको उससे वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और थोड़ी निगेटिव एनर्जीज है आपके लाइफ में, चाहे वो किसी फ्रेंड के तौर पे हो, लवर के तौर पे हो, या खुद फैमिली में ही आपके लिए कोई निगेटिविटी वाली चीज़ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। कुछ सपने भी, बुरे सपने भी अचानक से आपको आते हैं जिससे कि आप रात को चौंक के उठ जाते हैं। चिंतित हैं आप, एंजाइटी में हैं, साफ है एनर्जी यहाँ पे है। किसी कोई आपको बिल्कुल भी ओवरटेक करना चाह रहा है, कोई पर्सन चाह रहा है कि आप उसके अनुसार काम करें और सिर्फ उसकी बातों को माने। और यहाँ आप बिल्कुल गुलाम बन के किसी के रहना नहीं चाह रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जैसा वो पर्सन चाह रहा है या जैसा जो एनर्जी चाह रही है कि आप वैसा रहें, आप वैसा रहना नहीं चाह रहे हैं। सेक्सुअली भी थोड़े से वॉरिड हैं आप, सेक्सुअली भी आप थोड़े से एक्टिव होना चाहते हैं, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं सेक्सुअली भी आपको, तो वहाँ पर भी आपको रोकथाम करने की ज़रूरत है। वो आगे के कार्ड में देखेंगे कैसे आप इसे ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलीफ ब्लेसिंग के साथ रिलीफ की भी रीडिंग है तुला राशि के लिए। और यहाँ पे कोई आपको लगता है कि सिर्फ टॉक्सिक रिलेशन, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लगता है किसी कोई हैबिट भी आपकी है
जो आपको परेशान करे, चाहे वो स्मोकिंग की हो, अल्कोहल की हो, या कुछ ज़्यादा कोई चीज़ खाने पीने की जो है आपको ऑब्सेशन है और क्रेविंग है जो आपको बिल्कुल भी पावरलेस कर रही है इस समय। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज रहेगी सितंबर में, लेकिन आपको ओवरकम कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आ गया है। पेज ऑफ कप्स एक नई शुरुआत दे रहा है आपके लाइफ में, तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि एक नई शुरुआत आ रही है, उन सब चीज़ों से आप ओवरकम कर पाएंगे। कोई पर्सन प्यार लेके आ रहा है, सिंगल है, ब्रेकिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोई पर्सन प्यार लेके आपके लिए आ रहा है, ऐसी संभावना काफ़ी है। कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, कोई कम एज का पर्सन आपके लिए बिल्कुल क्रश बना हुआ है या आप उसका क्रश बने हुए हैं, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है। कुछ काम से भी संबंधित जहाँ चीज़ें हैं वहाँ पे आप एक नई ऊर्जा के साथ एक फिर से एक बार अपने आप को समेट के नई चीज़ों को सोचेंगे और नई चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से साफ वाइब आ रही है। पेज ऑफ कप्स एक प्यार की शुरुआत मुझे लग रहा है और एक काम की भी शुरुआत, साफ साफ लड़की की एक काम की भी शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। कुछ ना कुछ नया होने वाला है जिससे कि आप पास्ट को भुला पाएंगे, जो अभी एनर्जीज चल रही है आपके लाइफ में उसको भूल पाएंगे। कोई बहुत ही इमोशनल पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, साफ पता चल रहा है यहाँ से। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज की भी बात चल सकती है जो आपको खुशी देगी पास्ट को भुलाने में। रोमांटिक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस होगा और बहुत ही खूबसूरत रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा अपने लिए पैम्पर कर पाएंगे आप, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आप नई ऊर्जा के साथ फिर से आप अपना मेकओवर करेंगे, फैशनेबल थोड़े से रहेंगे, ब्यूटिशियन के पास जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल चेंज करेंगे, मेकओवर करेंगे, अपना थोड़ा स्टाइल आप कैरी करेंगे, ऐसी संभावना है। रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, रोमांटिक प्रपोजल, इंगेजमेंट भी किसी का हो सकता है। क्रश, फिर से मैं बोलूँगा कि कोई आपका क्रश बन सकता है या आप किसी के क्रश बन सकते हैं। आपको एडमायर भी किया जा सकता है किसी काम के लिए जहाँ पे आप खुशी का एहसास करेंगे। कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, ये गुड न्यूज़ किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, कोई जॉब को लेके, कोई रिलेशनशिप्स को लेके, और आपको बिल्कुल जिज्ञासा रहेगी सितंबर में। आपको लगेगा जैसे जैसे सितंबर आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मल्टीपल न्यूज़ आपके पास आने वाली है, उससे आपको लगेगा कि कुछ और मैसेजेस आ सकते हैं आपको, कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी आ सकते हैं आपको, आपका इंट्यूशन कुछ मैसेजेस दे सकता है आपको, जहाँ पे आप चीज़ों को बिल्कुल भी ग्रैब कर पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। तो अच्छी संभावना है, एनर्जी शुरुआत में नेगेटिव से पॉजिटिव बनते बनते आपके पास यहाँ हाई प्रिस्टेस भी कार्ड आ गया है तुला राशि के लिए। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पे साफ कह रहा है कि सीक्रेट्स कुछ होंगे आपके लाइफ में जो बिल्कुल उजागर होने वाले हैं, कोई मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, आपकी लाइफ जो मिस्ट्री बन चुकी है वो सॉल्व होगी। और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पहले से ज़्यादा ऊर्जा आने वाली है, विजडम आने वाला है, बुद्धि आने वाली है, आप में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, पुराने जो निगेटिव चीज़ थे आपकी लाइफ में उससे आप सबक लेके आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएगी। इंट्यूशन आपका तेज़ होने वाला है, स्पिरिचुअल बन जाएंगे आप, आपको भगवान पे भरोसा होगा सितंबर में तुला राशि के लिए, आपका इनर वॉइस आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मंदिर मस्जिद भी, अगर जिस धर्म के भी हैं आप तो मंदिर मस्जिद भी जाना आप शुरू करने वाले हैं, काफ़ी सारे पूजा पाठ भी करेंगे आपको, क्योंकि आपका हायर फोर्स पावर फोर्स कर रहा है आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। यहाँ पे बाकी के कार्ड पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका लकी कलर होगा ब्लू एंड ग्रीन। तुला राशि के लिए सितंबर में लकी कलर होगा ब्लू एंड ग्रीन। एंड नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 5, 6 एंड 9। दिन आपके लिए शुभ होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस दिन आप कोई काम कर सकते हैं। अल्फाबेट आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, GSKCHH, इन सब जो अल्फाबेट है वहां से कुछ आपको फायदा हो सकता है। और आप किसी बॉस, पार्टनर, सोलमेट और लवर से डील करेंगे और पॉजिटिव डील करेंगे, हो सकता है कि आपके लवर हो, सोलमेट हो, पार्टनर हो या बॉस हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस। तो इन राशि के लोग आपके साथ अच्छे से पॉजिटिव आगे में सितंबर को बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों का करियर केमिस्ट, पेंटर, सेल्समैन, राइटर, इंजीनियर
ट्रांसपोर्टेड डिपार्टमेंट में है या रिसेप्शनिस्ट है, उनको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, या तो इस करियर में जाना चाहते हैं तो भी अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्स होगा यहाँ भी। बाकी चीज़ें भी बताएंगे, पहले आप कार्ड पे आते हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक इंटेलिजेंस पावर ब्रिंग बैक कर सकता है, आप मेल हो या फीमेल हो। आपका ह्यूमर तेज होगा, जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धि आपकी तेज होने वाली है, और बिल्कुल शार्प बिट करेंगे आप अपने साथ, अपनी बुद्धि को लेके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल भी अभी थोड़े से लो चल रहे हैं अपने करियर में, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, और आपके लिए अनबायस्ड फैसला होने वाला है फैमिली में। जहाँ बायस्ड होके किसी के लिए फैसला लिया जाने वाला था फैमिली में, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शादी के मामले में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपके लिए एक निष्पक्ष फैसला हो जाएगा, और आप जजमेंट, अच्छा जजमेंट आएगा। कोर्ट केसेस भी जिनके चल रहे हैं तो जजमेंट अच्छा आएगा, घर में भी आपके साथ इंसाफ किया जाएगा और आपको जजमेंट अच्छा मिलेगा। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में सितंबर में, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ से हो सकता है। जॉब के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी डायरेक्ट बातचीत चल सकती है, वहाँ पे आपको कोई अप्रोच कर सकता है या आपको कोई ऑफर दे सकता है। और बिल्कुल कोई क्लियर हॉनेस्ट फेयर पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो आपके लिए प्रोटेक्टिव भी होगा। एंड मदर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी सितंबर मंथ में, काफ़ी कुछ मदर पे डिपेंड रहेगा, और ओपन माइंडेड पहले से ज़्यादा आप बन पाएंगे। कोई डाइवोर्स पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, और आप पे है कि आप उसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं। एंड ऑफ द सितंबर में टैरोट से ये कार्ड आ रहा है कि हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होने वाला है, और जिस पर्सन के साथ भी आप जुड़ेंगे, चाहे जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उसके साथ एक जिसे कहते हैं फिजिकल कनेक्शन बनेगा, और ये आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई करेगा। ये कनेक्शन आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा, और आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ आप जो सोच रहे थे वो चीज़ें होंगी, और आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। सेक्सुअली आप बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे अपने पार्टनर के द्वारा, और आपको बहुत सुख मिलेगा, हैप्पीनेस। और मुझे लगता है कि कोई हॉलीडेज की प्रोग्राम भी बन सकती है आपकी, मिनी हॉलीडे प्रोग्राम, डिनर डेट, ये सब भी आपको मिल सकता है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो है आपके लाइफ में सितंबर में हैपनिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ विश कम ट्रू होने वाला है आपके लाइफ में। किसी के साथ कमिटमेंट मिलेगा, अचीवमेंट और सक्सेस भी मिल सकता है आपके वर्क जॉब में, एंड प्लेजर जॉय तो आने वाला है, फुलफिलमेंट होगा, आपके सपनों का फुलफिलमेंट होगा, पर्सनल सेटिस्फैक्शन की चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। काफ़ी इंटरटेनिंग भी रहेगा आपके लिए, काफ़ी मनोरंजन कर पाएंगे, घूम पाएंगे, फिरेंगे। फेम भी आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको फेम मिल रहा है, और कोई इंसान आपसे बहुत ही पैम्परिंग करना चाह रहा है, तो आपके सपनों के साकार होने का समय है सितंबर। तो टैरोट से हमने देखा, और हम और भी चीज़ें बताना चाहेंगे तुला राशि के लिए सितंबर में, कि अगर आप अपने एज में, अपने उम्र में अगर 23, 24 और 15 के पड़ाव में है, यानी कि एज आपकी अगर 23 होगी, 15 होगी, 24 होगी, तो आपके लिए ये सितंबर और ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 23, 24 और 15 साल है। सो गुड पॉइंट्स आपके लिए होने वाले हैं। अगर आप एक चाहते हैं कि हम तुला राशि के बारे में ये बताएं कि आपको क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आपके गुड पॉइंट्स आपको रखने हैं, और वो डिप्लोमेसी, सोशल ग्रेस, चार्म, ये चीज़ बना के रखना है, यानी कि सोशल लाइफ में डिप्लोमेसी के साथ साथ अपना ग्रेस बनाए रखना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना है, बहुत सारे चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, जिनसे आज आपको पाना चाहते हैं और वो अभी हासिल करने की क्षमता अभी नहीं है आप में, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सेल्फिश मत बने, सेल्फिशनेस से काम नहीं चलेगा, और इजी गोइंग भी नहीं चलेगा, आसान रास्ते से शॉर्टकट में निकल जाना चाहेंगे वो भी चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बॉडी पार्ट्स, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि किडनी और स्पाइंस, कमर या रीढ़ की हड्डी होता है, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे योगा और एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपके स्पाइंस, कमर
के दर्द मुझे लगता है कि होने के चांसेस हैं वो टल जाए। तो थोड़ा बहुत योगा स्ट्रेचिंग कीजिए तुला राशि वालों, सितंबर में ये आपको फायदा करेगा। किडनीज को बेटर रखने के लिए आप जो भी जैसे कि पानी अधिक पीना या तेल मसाले नहीं खाना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पानी की तरफ ध्यान देना होगा और कमर रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा आप रिलैक्स दीजिए और वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हेल्थ प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ सितंबर के लिए, ताकि तुला राशि वाले आप लोग अभी से ही एक्टिव हो जाइए। तो हम देखेंगे बाकी डेक से भी क्या कुछ है, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ एडवाइस भी है आपके लिए और सबसे अच्छी चीज़ है कि तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे गाइडेंस ओरेकल मैसेजेस भी हैं आज सितंबर मंथ के लिए। तो क्या गाइडेंस है सितंबर मंथ के लिए आपके पास, लेट्स सी, देखते हैं। चार कार्ड लेंगे इस डेक से, लेट्स सी, वन कार्ड और देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। टू मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, देखते हैं क्या कुछ है। लेट्स सी, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर द गाइडेंस फॉर लिब्रास इन सितंबर। तो अब हम इन जो कार्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस। कंपैशन का कार्ड है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही उज्ज्वल कार्ड है। कंपैशन, रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। देखिए सब में एक लाइट और एक ऊर्जा रहती है, जैसा कि आप जानते हैं सबकी अपनी अपनी एनर्जी रहती है, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे कुछ जजमेंट्स भी होते हैं जो आपके बारे में कह दिए जाते हैं और आप उसको मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि दूसरों के कहे पे आप ये मान लें कि नहीं मैं अभी वीक हूँ, स्ट्रांग हूँ, निगेटिव हूँ, पॉजिटिव, नहीं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका फोकस सिर्फ प्यार की तरफ है। अगर आपको प्यार चाहिए लाइफ में तो आपका फोकस प्यार की तरफ रहना चाहिए, या तो आप करियर के बारे में वरिड हैं तो करियर के बारे में, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, क्या जानते हैं तो वो लोग जाने। आपको बस सिर्फ जो लोगों में एक क्वालिटी होती है, एनर्जी होती है, उसको बाहर निकाल के आगे बढ़ना है। एरिया कुरा का है, ब्लॉसमिंग, बहुत ही ब्लॉसमिंग करने का समय है। जैसा कि टैरोट से मुझे पता चला कि आप लोग को फेम मिलने वाला है, मुझे लगता है कि सोशल लाइफ में भी बहुत सारा फेम आपके लाइफ में आ रहा है और आप बिल्कुल भी एक्सपैंड करेंगे और आपकी जो खुशबू है चारों ओर फैलेगी। यहाँ पे आपको पता है दिखता है, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। यानी कि जो प्रोसेस चल रहा है आपका, थोड़ा सा अभी आपके लिए भारी हो, थोड़ा निगेटिव जा रहा हो, एनर्जी लो जा रही हो, आपके फेवर में नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये सब प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में कार्ड में बताया गया है कि धीरे धीरे आप ओवरकम करेंगे निगेटिव एनर्जी से। तो ये सब प्रोसेस है, जो एनर्जीज हैं अभी हाई पावर होने वाली है आपके लिए, एक्सपेंड होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी उस एनर्जी पर ध्यान दें और अपने पेशेंस से समय का वेट करें। ये एक प्रोसेस है जो अपना काम करके बीत जाएगा और आपको गिव अप नहीं करना है अपने लाइफ में। फ्रेजा का कार्ड है बोल्ड, बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। बिल्कुल ही अपने आप को उभार के सामने लाना होगा, दब्बू बन के रहने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उभारें, डर को खत्म करें और हिम्मत करें, रिस्क लेने की भी थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर आपको अपने लुक्स पे थोड़ा सा काम करना है तो बिल्कुल बेझिझक कीजिए, कोई काम में आपको बिल्कुल भी नया जोड़ना है, नया ऐड करना है, ऐड ऑन करना है, वहाँ भी कीजिए। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा अगर आपको किसी से सेटिस्फाई वाला जवाब नहीं मिल रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा रिस्क लेके उस पर्सन से बात करनी पड़ेगी, बी बोल्ड, बोल्ड बनना पड़ेगा। स्थान का कार्ड है बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो आप अपने से प्यार करें, दूसरे से प्यार करना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए जितना कि आपको वो प्यार करें। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल छोड़िए, बहुत हो गया, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपना डिमांड कीजिए, किसी पर्सन से डायरेक्ट बात कर डिमांड कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, प्यार में क्या चाहिए। और यहाँ पे अपना जो एनर्जी है सही पर्सन के लिए वेस्ट कीजिए, सही काम, सही करियर में, सही
चीज़ों के लिए वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी अपनी एक बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, नहीं तो इससे फिर फ्यूचर में काम नहीं चलेगा। आइए हम देखते हैं कि और भी क्या आपके लिए एडवाइस मिल सकते हैं, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड, गॉड, एंजल, कुछ भी आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि तुला राशि के लिए क्या कुछ है और क्या आपको करना पड़ेगा सितंबर में। लेट्स सी। यहाँ देखिए ओरेकल मैसेज लिया है मैंने और यहाँ पे वेट फॉर इंफॉर्म इम्पॉर्टेंट मैसेज, एकदम इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, मल्टीपल मैसेज भी आ सकता है, कोई गुड न्यूज, सरप्राइज, गिफ्ट यहाँ पे आने वाली है, कुछ बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में और यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे मई टू सितंबर बढ़ेगा आगे, कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज आपके लिए आ रही है और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, पेशेंस रखना होगा। लेट्स सी, टेक मोर कार्ड्स। मेडिसिन मदर का कार्ड आया है आपकी हीलिंग के लिए। ऑनर योर इनर नोइंग, आप अपने को जितना जान रहे हैं अपने रिस्पेक्ट करें, दूसरों को अपना फैसला ना करने दें और आपकी हीलिंग होने वाली, क्योंकि मेडिसिन मदर का जो कार्ड है वो आपके डिवाइन गाइडेंस है और डिवाइन का सपोर्ट है, तो आपकी हीलिंग होगी, बशर्त कि आपको अपनी जो इज्जत करनी होगी अपने आप की, अपने आप को जितना आप जानते हैं उसको उभार के लाना होगा और विश्वास करना होगा ईश्वर पे, अपने आप पे विश्वास करना होगा, बी कॉन्फिडेंट। लेट्स सी और क्या है, फादर स्काई, मदर मेडिसिन मदर के पास फादर स्काई का भी कार्ड आ गया है, तो बहुत ही चील की दृष्टि है डिवाइन का आपकी ओर। ट्रस्ट इन द अननोन, आपको विश्वास करना पड़ेगा, कोई अनदेखी चीज आपके बहुत करीब आ रही है जिसको आप जानते नहीं है, हो सकता है कि कोई पर्सन आपके पास अचानक से आने वाला है, कोई रिलेशन बनने वाला है, कोई फ्रेंड के तौर पे शुरुआत करने वाला है या कुछ ऐसा काम आने वाला है आपके पास बिजनेस में, या कुछ पैसा आने वाला है, रुका हुआ पैसा आने वाला है, कुछ ना कुछ, जितने लोग भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आने वाला है और बिलीव कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, ट्रस्ट कीजिए, कुछ ऐसी चीज आपके अचानक आपके सामने आएगी जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक कार्ड और लेते हैं इस डेक से, लेट्स सी, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। लिब्रास, ट्रैवलर, तो बहुत सारे ट्रैवलिंग के प्लान आपके बन सकते हैं। लिब्रा के लिए, एयर साइन लिब्रा के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग सितंबर में कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं या आप टिकट बुक कर सकते हैं सितंबर में अदर मंथ जाने के लिए, न्यू ईयर में जाने के लिए, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे आपको साफ साफ करा जा रहा है कि आप हॉलीडेज पे जाने की प्लान तो करेंगे ही, साथ में आप नया डायरेक्शन भी चूज करने के लिए बताया जा रहा है और आप इसको चूज करेंगे भी, तो न्यू डायरेक्शन आपके लिए चूज करना अच्छा रहेगा। जहाँ पे कोई काम नहीं बन रहा है, जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आप तो उसको बदल के आपको एक नया डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा करंट सिचुएशन से और एक नया सिचुएशन में, नया दिशा में आपको जाना पड़ेगा, ये चीज़ ये कार्ड कह रही है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या है आपके लिए, लेट्स सी देखते हैं और क्या है आपके लिए। हम लास्ट के टू कार्ड लेना पसंद करेंगे यहाँ तुला राशि के लिए कि सितंबर में क्या बातें हैं और क्या बातें बोली जा रही हैं। लेट्स सी, फुल मून कैंसर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी कैंसरियन से भी डील कर सकते हैं जहाँ बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस होगा आपके लिए। ए पर्सनल इश्यू रिचेस रेजोल्यूशन, आपकी जो पर्सनल समस्याएं हैं किसी भी चीज़ को लेके वो सॉल्व होने वाली है, वो समस्याएं समाधान की ओर बढ़ती दिखाई देंगी सितंबर में, जिसका आपको लाभ मिलेगा फ्यूचर में। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डे, लेट्स सी, न्यू मून कैप्रिकॉर्न का, किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर सकते हैं और यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ये मैसेज बता रहा है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ होने का समय आ गया। करियर वाइज आपने बहुत सारा काम किया है और पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन पैसे आने के चांसेस हैं। पे ऑफ के तौर पे मुझे साफ साफ इंट्यूशन बता रहा है कि पैसे आने वाले हैं, कुछ रुके हुए पैसे भी आ सकते हैं या आपके हार्ड वर्क के इंक्रीमेंट के, सेविंग्स के,
या आपने लंबा जो मैच्योरिटी पीरियड के लिए किया होगा वहाँ से भी पैसे आने के चांसेस हैं आपके लिए। तो तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। शुरुआती थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। आपके पास सरप्राइज, गुड न्यूज़, लव, किसी को प्यार आ रहा है तो किसी को पैसा आ रहा है, किसी को करियर आ रहा है, तो अच्छा रहेगा सेप्टेम्बर आपके लिए। फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।